नमस्कार दोस्तों, वेदारम पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी फीमेल्स बैक पेन की प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं और उनको इस बात की चिंता रहती है कि कहीं बैक पेन की वजह से उनके होने वाले बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा या उनकी प्रेगनेंसी में तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रेगनेंसी में आखिर बैक पेन क्यों होता है, क्या हम पेन किलर्स ले सकते हैं, इससे बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा और इस पेन को नेचुरली कैसे क्योर किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आए पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर आए पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी में आखिर बैक पेन होता क्यों है। तो दोस्तों, जो फेटस यानी जो भ्रूण जो होता है उसका जैसे जैसे वेट गेन होता है वैसे वैसे हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज होता रहता है। इसके अलावा कुछ हॉर्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से आपको ये बैक पेन की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। इससे आपके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि बैक पेन को नेचुरली हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ फीमेल्स जो होती हैं उनको सीवियर सिचुएशन का पेन होता है, तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रही हूँ जिनको फॉलो करके आप इसे कम कर सकते हैं। जो टिप नंबर फर्स्ट जो है वो है कैल्शियम इनटेक। दोस्तों, प्रेगनेंसी में जो बेबी होता है वो अपनी सारी नीड्स अपनी मदर से पूरी करता है। ऐसे ही बेबी अपनी ग्रोथ के लिए अपनी माँ से कैल्शियम भी लेता है और कुछ फीमेल्स इस टाइम पर कैल्शियम की जो पर्याप्त मात्रा उनको लेनी चाहिए उतनी वो नहीं लेती हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो वो नहीं लेती हैं। ऐसी में उनकी बोन्स जो हैं वो वीक होने लगती हैं और कैल्शियम की कमी के कारण उनको बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आप भी यह मिस्टेक कर रही हैं तो प्लीज़ कैल्शियम सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना शुरू करें, इससे आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। टिप नंबर टू जो है दोस्तों, जब आपको बैक पेन हो तो उस सिचुएशन में आपको गर्म पानी की जो बोतल जैसे पिक्चर में दिख रही है वैसी लेनी है और अपनी बैक का जो है वो सेक करना है। ये सेक आप सोते टाइम भी कर सकती हैं, इसे आप कमर के नीचे रख सकती हैं और अगर आप रीडिंग वगैरह करती हैं दिन के टाइम तो चेयर पर जब आप बैठते हैं तो पीछे अपने बैक के जो पीछे सपोर्ट के रूप में इस बोतल को लगा के और आप आराम से बैठ जाइए। ये आपके बैक एरिया में जो है ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है गर्म पानी, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ फील होता है। टिप नंबर थ्री है दोस्तों, आजकल ज़्यादातर फीमेल्स जो होती हैं वो वर्किंग होती हैं जिसके चलते उनको लंबे टाइम तक सिटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा अपनी बैक के पीछे आपको पिलो या कुशन से सपोर्ट बनाकर बैठें, ये आपको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स रखेगा और बैक पेन में राहत भी देगा। नंबर फोर, योगा। दोस्तों, बैक पेन से राहत देने के लिए योगा सबसे इफेक्टिव तरीका है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं, सो जो आपको वही योगा पोज ट्राई करने हैं जो आपके लिए सेफ हैं। नंबर वन पोज जो है वो है बटरफ्लाई पोज, आप इसे कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी आराम देने वाला होगा। सेकेंड पोज है डक वॉक, ये पोज भी आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं। करना कैसे है? इसके लिए आप इन दोनों पोज के लिए यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनको देख के आप इसे कर सकते हैं। ये दोनों पोज आपको बैक पेन से राहत देने वाले होंगे और इन्हें आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ हैं। टिप नंबर फाइव, अच्छी नींद लेनी चाहिए आपको। दोस्तों, नींद की कमी आपके बैक पेन को बढ़ा सकती है, इसके लिए आपको ऐसे बेड यूज़ करना चाहिए जो आपकी बैक को सपोर्ट देने वाला हो, यानी कि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। इसके अलावा आप अपनी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए एक्स्ट्रा पिलो या कुशन भी जो जैसा आपको सोते टाइम फील हो उस हिसाब से आप यूज़ करें, आपको अच्छी नींद लेने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ नेचुरल तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपने बैक पेन में राहत महसूस कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या बैक पेन के लिए पेन किलर्स यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेन किलर्स आपको नहीं लेनी चाहिए, ये आपके फेटस की ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। अगर आपको पेन सीवियर हो रहा हो और उस सिचुएशन में अगर आप पेन किलर लेते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सभी मेडिसिन जो होती हैं वो लेना सेफ नहीं होता है। इसलिए अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन ना लें। तो दोस्तों, ये कुछ नेचुरल तरीके हैं, ये आप ज़रूर फॉलो करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर योर सेल्फ।